अभी जा रहा हूँ खाना खाने। मौसम ना भाई, वो वहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा भाई आज, मुझे अभी भी सर्दी फील हो रही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अभी स्वेटर वगैरह लेते हैं, अपर वगैरह भी पहनना शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह वैसे जाया करें। और रात में मेरे साथ ये सीन हुआ कि मुझे कॉपीराइट लग गया था अगले, वैसे जैसे कि पिछली वीडियो पे मैंने इंट्रो पे इंट्रो डाला था ना अपना, जो इंट्रो क्लिप है उस पर कॉपीराइट नहीं लगी थी और रात वाली वीडियो पर कॉपीराइट लग गई। तो पता नहीं क्या ये नशे हैं यूट्यूब के। तो चलें अभी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। रात यहाँ बारिश हुई थी भाई साफ तेज, अभी गंदा है सारा रास्ता, हालत देखें सारे रास्ते की भाई, बरसात हुई रात तेज टका के आज, इसलिए सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये सब मैं भी असल नहीं गई हुई है, अभी तो मोहम्मद अली के नाम से गा रहा है ना, मैं भी असल लेजेंड की बंदा हूं, मैं भी असल हूं भाई। अरे नहीं किधर गया ये, किस किस ने नहीं देखा टूरिस्ट को देखो माहौल को। अच्छा अरे बाबू क्या हो गया मन भरवा के क्या नाम है इसकी, मैंने वो सुनी थी ना यार कसम से, जब करेगा सबसे एक से। अच्छा बताओ क्या करे स्टेट आपके लिए। देखो स्टेट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा। स्टेट ने क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया है, स्टेट ने आपके लिए बनाया, ये ग्राउंड बनाया है, ये फंक्शन का इंतजाम किया है, अच्छा जीएसटी बनाया यार। अभी छोड़ो, स्टेट ने हमारे लिए, यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए फंक्शन का इंतजाम किया। हाँ यार क्या कहना चाहेंगे यार, बहुत अच्छी फंक्शन किया है, अच्छा किया है, ये उसके लिए ये भी तैयारी हो रही है। सना भाई भी आज, सना भाई भी तैयारी कर रहे हैं, कोट शॉट ले रहे हैं ताकि अभी सर्दी आने लगी। नहीं नहीं उसके लिए, फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए नहीं, उसके लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं, तैयार हैं। ये भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये न्यू बना है अभी, पता नहीं अल्लाह करे हमें इसकी कोशिश करे। हाय हाय हाय, ये बहुत अच्छा है, जबरदस्त बच्चे खेल रहे हैं वो देखो बच्चे, वाओ। मेरे दोस्त सना भाई और दाऊद भाई अभी हम आए हैं मामू जी कैफे पे, फ्राइज़ वगैरह चाय वगैरह पीने हैं, इन्होंने कहा चाय नहीं पिएंगे हम फ्राइज़ खाएंगे, मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, क्लास लेके अभी इंशाल्लाह ये हम आए हैं मामू जी कैफे पे। ये मेरे दोस्त, ये मेरे एक दोस्त, कैसे सर? बिल्कुल हम। अच्छा इसको, इनको भूख लगी है, भूख लगी है सर? हाँ यार आज सुबह से आए थे यूनिवर्सिटी, क्लासेस थे, टाइम नहीं मिला था तो अभी निकले क्लासेस से, सोचा था थोड़ा सही दे से। मामू जी के पे यही आइटम, ये तो सारा दिन मोबाइल पे लगा रहा यार, मैं बयान देख रहा हूँ मुफ्ती साहब का। ये भाईजान तीन तीन फ्राइज, तीन प्लेट मतलब तीन फ्राइज़ मंगवाए हैं, 60-60 वाले, और ये आए हैं। हमने कहा बहुत ज़्यादा आएंगे, हम खा नहीं पाएंगे यहाँ, तो फिर सना भाई हमने सोचा था ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मैंने कहा मेरा पेट भर जाएगा, मैंने सोचा था मेरा पेट ना भर जाए, बच ना जाए यहाँ, तो फिर अलग ही सीन हो गया। नहीं बहरहाल मेरे साथ दिन हो गया, बचा दो। वेलकम बैक विंटर्स, फाइनली सर्दियां आ चुकी हैं बॉयज एंड गर्ल्स, और हमारे ये निकल चुके हैं अपर्स, तो ये इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि सर्दियां आ गई हैं, तो हम भी अभी सर्दियों में फाइनली एंटर हो चुके हैं, ग्रेजुअली कैम टू द विंटर्स। So my boy is sleeping, he's also welcoming the winters। और अभी हम आ चुके हैं क्लासेस वगैरह लेके, चाय शाय पी के, और अभी रात को फिर जाएंगे, गरम गरम चीज़ें खाएंगे और अंडे शंडे सोच रहे हैं कि उबले हुए खाएंगे कि अगर हमारी बजट हमें इजाज़त दे तो इंशाल्लाह करेंगे सब कुछ आस्ते आस्ते, नॉट मतलब कि हम जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे सब कुछ, इन्जॉय करेंगे, बजट को भी थोड़ा सा मेंटेन रख के, ये नहीं है कि एक दिन में गर्म होने चले हम सर्दियों में, तो ये नहीं होगा।
नशे में द एंट्री ऑफ द न्यू थिंग इन आवर हाउस वो ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अभी इसकी सख्त जरूरत होने वाली है हाँ सुबह सुबह सुपर का मिला है ज़्यादा नहीं बस 1000 रुपये का मिला है तो इतनी महंगाई है यहाँ पे ठीक है ये इतना सा छोटी सी चीज़ हमें 1000 रुपये की मिली है यार महंगाई है बहुत यहाँ पे तो बस ज़रूरत थी इस चीज़ की जो चीज़ ज़रूरत होती है ना फिर वो मजबूरी में भी लेनी पड़ती हैं सर्दियाँ आ गई हैं अभी सुबह आया नहीं जाता है मजीद असलम भाई आपको बताएंगे असलम भाई सुबह हवा कैसे आ रही थी वाशरूम में बहुत ठंडी हवा थी कसम से सुबह एंटर होते ना वहाँ से एक सुराख है उसके ऊपर से जो एग्जॉस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है ऐसी ठंडी हवा मज़े वाली आ रही होती है ना बंदे को नहाने में मज़ा आता है उस टाइम नहीं तो ये हालात हैं ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेनी पड़ती हैं जैसे एक रॉड उनमें से एक है क्या पता आगे पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत हो लेट्स सी तो खाना वगैरह खा लिया था सब कुछ खा लिया था चीज़ें भी ले थी फिर नीचे आया था मैंने कहा सोचूं चाय पीने जाऊँ या नहीं जाऊँ मेरे सर में दर्द है तो कोशिश करता हूँ दोस्त यार वर्क करता हूँ क्या रहते जाएंगे चाय पीने वरना फिर सोएंगे जाके और यहीं पर आज को लॉग इन करते हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चाहे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें